दोस्तों, आज हम आपको छिपकलियों के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। छिपकलियां हर घर में पाई जाती हैं। बरसात के मौसम में उड़ने वाले कीट पतंगों को खाने के लिए छिपकलियों को एक दीवार से दूसरे दीवार पर तेजी से जाते हुए आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आपने कभी उनके क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं दिया। छिपकलियों को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ और अशुभ बातें बताई गई हैं। आइए जानते हैं छिपकलियों के शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं शुभ संकेतों के बारे में। अगर छिपकली का जोड़ा आपस में प्रेम करता दिखाई दे तो समझ जाइए कि जल्द ही आपके किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है। अगर खाना खाते समय आपको छिपकली दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपके सिर या दाएं हाथ पर छिपकली गिर जाए तो आने वाले समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी व्यक्ति के घुटने पर छिपकली गिरती है तो उसे जल्द ही धन और सुख की प्राप्ति होगी। तो अब बात करते हैं इनके अशुभ संकेतों के बारे में। अगर आपको दो छिपकलियां आपस में लड़ती दिख जाएं तो इसका मतलब है कि उस दिन आपका किसी के साथ झगड़ा या बहस हो सकती है, इसलिए उस दिन थोड़ा सावधान रहें। नए घर में गृह प्रवेश के समय अगर मरी हुई छिपकली दिख जाए तो ये आपके लिए अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि उस घर में रहने पर आप पर मुसीबतें आ सकती हैं या आप और आपके परिवार वाले रोगी हो सकते हैं। छिपकली का बाएं हाथ पर गिरना भी अशुभ संकेत माना जाता है, इससे धन हानि होने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।